नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का 11th चैप्टर स्टैटिस्टिक का एक्सरसाइज 11.3 में हम बार डायग्राम देखने वाले हैं, लेकिन हमने इसकी पिछली वीडियो में सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखा था। इसमें हम देखने वाले हैं परसेंटेज बार डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। देखिए यहाँ पे परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो टेबल दिया है पहले हमें वहाँ से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। टेबल हमारा पे क्या दिया है, डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8। यहाँ 8 स्टैंडर्ड का डिवीजन दिया, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है। और सेकेंड टेबल हमारा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, मतलब जिनको ग्रेड ए मिला है उनका नंबर कितना है, 45 है। बी ग्रेड में 33 स्टूडेंट है और सी में सी डिवीज़न में 10 स्टूडेंट है और डिवीज़न डी में 15 स्टूडेंट है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिया है, क्योंकि देखिए हमें जब भी परसेंटेज निकालना होता है वहाँ टोटल की ज़रूरत पड़ती है, तो टोटल पहले से यहाँ पे दिया हुआ। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट थे, जिसमें 45 लोगों ने क्या किया है, ग्रेड ए सिक्योर किया है। तो अब उसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम एक अलग से ग्राफ बनाएंगे, एक टेबल अलग से बनाएंगे, जिसका नाम रखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए। ग्रेड ए पाने वाले कितने स्टूडेंट, उनका हम परसेंटेज निकालें। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, कितने स्टूडेंट ने ग्रेड ए सिक्योर किया है, 45 एंड टोटल कितने थे, 60 × 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो यहाँ पे 100 बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर देंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 75। इसी तरह यहाँ पे भी हमें निकालना है, डिवीज़न बी में कितने ग्रेड कितने बच्चों ने ग्रेड पाया है, 33, और टोटल कितने थे, 55, तो उनका परसेंटेज निकालना है। तो 33/55 × 100, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें चाहे, या तो दोनों को 11 से हम कैंसिल कर देते हैं। 11 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 × 3, इट विल बी 60। इसी तरह नेक्स्ट सी का भी हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल दिया है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें 10/40 × 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसको कैंसिल करिए, ये भी 5 आ जाएगा, 5 × 5, इट विल बी 25। मतलब ये सी डिवीज़न वाले कितने ग्रेड हैं, 25% स्टूडेंट हैं जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया है। नेक्स्ट डिवीज़न डी की बात करते हैं, तो वहाँ पे 15 स्टूडेंट हैं और टोटल कितने थे, 75, तो 15/75 × 100, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए 25 से कैंसिल करिए, 25 से इसको भी, इसको भी, इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बचेगा कितना, 3/5 = 15, यहाँ 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 20 आएगा। इस तरह हमारा देखिए जो ग्रेड ए सिक्योर करने वाले थे उस स्टूडेंट का हमने परसेंटेज निकाल लिया। अब ये तो परसेंटेज उनका है जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया है, जो बचे हुए हैं उनका भी परसेंटेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। तो 75 ने क्या, डिवीज़न ए में 75 लोग ने ए ग्रेड सिक्योर किया था, तो बचे कितने थे, 25, 100 में से हमने इसको माइनस किया। सेम यहाँ पे भी 60, बी डिवीज़न में 60 लोगों ने ए ग्रेड सिक्योर किया था, उसे बचे कितने थे, 40, हमने 100 में सबको क्या किया, माइनस किया, या 100 - 25 कर देंगे 75, या 100 - 20 कर देंगे तो 80। इस तरह देखिए हमने ये परसेंटेज निकाल दिया, ये किसका है, ए ग्रेड वाले का है, और ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका परसेंटेज है। अब हम इसको क्या करते हैं, बार डायग्राम पे आपको करके दिखाते हैं। चलिए पहले हम दो ग्राफ, दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने एक्स लिखा, यह एक्स डैश है और यह वाई है, यहाँ पे वाई डैश, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, ओ रहेगा, यहाँ पे 0 दे देंगे हम यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे डिवीज़न कितना लेना है, 4 डिवीज़न लेना है, ए बी सी डी। तो पहला हमने ए लिया है, बी लिया है, सी लिया, डी, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लेना, परसेंटेज, परसेंटेज कितना होता है हमारा, 100%। तो हमें 10 से लेकर 100 तक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज ऑफ ये स्टूडेंट। ये हमारा डिवीज़न हो गया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ डिवीज़न, और एक एक सेंटीमीटर पे हमने कितना कितना लिया है, 10% लिया है। तो वहाँ पे स्केल में हमने लिख दिया है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट, मतलब 10% स्टूडेंट हमने एक एक सेंटीमीटर पे लिया है। अब हमें देखिए फर्स्ट का हमें टोटल कितना 100% बना दिया, सेकंड का भी 100%, थर्ड का भी 100%,
और डिवीजन डी का भी 100%। लेकिन इसमें जो फर्स्ट हमारा है वह ए का हमने देखिए जब परसेंटेज निकाला था जिन्होंने सिक्योर, हाँ जो स्टूडेंट था जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया था कितने परसेंट थे 75%, तो 75 को हमने क्या किया शेडेड कर दिया। नेक्स्ट हमारा बी था उसमें कितने थे 60% स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या सिक्योर किया था ए ग्रेड सिक्योर किया था, तो 60% को हमने शेडेड कर दिया। नेक्स्ट सी वाला हमारा है जिसमें टोटल 25% स्टूडेंट ने क्या किया था ए ग्रेड सिक्योर किया था, और डिवीज़न ए था जिसमें टोटल 20% स्टूडेंट ने केवल ए ग्रेड सिक्योर किया था। तो जो भी हमारा सेडेड है वह क्या है स्टूडेंट वैसे हैं जिन्होंने क्या किया है ग्रेड ए सिक्योर किया है, और दूसरा जो रिमेनिंग है जो हमारा अनशेडेड है वह क्या है रिमेनिंग स्टूडेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे यार परसेंटेज बार डायग्राम बना दिया है, आप इसको अपनी ग्राफ बुक में बना लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए हमारा ग्राफ दिया है और ये भी ग्राफ हमारा क्या है परसेंटेज है, बिकॉज यहाँ पे भी 100% बनाया गया है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे नाम दिया गया है अजीता यश रवि और सुधा, ये सब फार्मर्स हैं, और यहाँ जो वाई एक्सिस है उस पर दिया है प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स है। यहाँ पे जो शेडेड दिया गया है वो प्रोडक्शन ऑफ थूर है, और जो अनशेडेड वो प्रोडक्शन ऑफ ग्राम है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है स्टेट द टाइप्स ऑफ द बार ग्राफ, ये कौन सा बार ग्राफ है यह परसेंटेज बार ग्राफ है। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा इट इज परसेंटेज बार ग्राफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज इन द थूर प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन अजीताज फॉर्म, अजीताज फॉर्म में टोटल थूर प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। तो देखिए जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा क्या है थूर है, तो फर्स्ट अजीता में देखिए हमें कितना परसेंट है 60, तो आंसर हमारा हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ थूर इज 60%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फॉर्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर बाय हाउ मच। देखिए हमें ग्राम का चेक करना है, तो जो अनशेडेड पोर्शन है वो देखना है, लेकिन किसका किसका यश का और रवि का। तो यश का हम देखते हैं पहले ग्राम, ग्राम कितना है उसका 50% है, और रवि का जो ग्राम है वो कितना है 30% है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 50 - 30 इट विल बी 20, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20% हो गया। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे द सो देयर फोर, सो आंसर में लिख देंगे तो प्रोडक्शन ग्राम प्रोडक्शन ऑफ यस फार्म इज मोर बाय 20%। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ में द परसेंटेज प्रोडक्शन हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज लीस्ट, मतलब तूर में किसका परसेंटेज सबसे बहुत ही कम है। तूर जो हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है तूर है, तो तूर में देखिए सुधा का प्रोडक्शन क्या है सबसे कम है जो कितना है 40% है। तो खाली की बोला था किसके फॉर्म में, तो किसके फॉर्म में लिखना हमें द लिख देंगे सुधास फॉर्म, तो आंसर हमारा हो जाएगा सुधास फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ द तूर एंड ग्राम इन सुधास फॉर्म, सुधा के फॉर्म में तूर का और ग्राम का दोनों का हमें परसेंटेज बताना है। तो तूर का देखिए कितना परसेंटेज जो शेडेड है 40%, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो क्या अनशेडेड हो गया ग्राम का। तो लिखिए परसेंटेज ऑफ तूर इज इक्वल टू 40% एंड परसेंटेज ऑफ ग्राम इज इक्वल टू 60%। इस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमने कम्प्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन ए सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा, जो भी डेटा दिया उसे हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे पहला दिया है स्कूल, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे स्कूल है फर्स्ट है स्कूल है सेकेंड स्कूल है थर्ड स्कूल है फोर्थ स्कूल है, और यहाँ पे क्या किया है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। देखिए कॉमर्स में और साइंस में कितने बच्चे जाने वाले हैं उनके वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट में हमारा यहाँ पे दिया है 90 और कॉमर्स साइंस में कितने जाने वाले हैं 90 और कॉमर्स के कितने हैं 60 है। इस तरह सेकेंड स्कूल का है 60 स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ झुकाव है उनका, और 20 सॉरी साइंस की तरफ है और 20 स्टूडेंट का कॉमर्स की तरफ है। थर्ड स्कूल में 25 स्टूडेंट साइंस की तरफ और 25 स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ, फोर्थ स्कूल में 60 स्टूडेंट साइंस की तरफ और 24 स्टूडेंट कॉमर्स की तरफ, उन लोग का झुकाव है जाने का उन लोग का विचार है। अब हमें पहले यहाँ पे देखिए टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज की टोटल बहुत ही ज़रूरी है। तो टोटल के लिए हमें यहाँ पे सबका टोटल कर दिए, तो टोटल के हमने एक टेबल बना लिया है जिसका हम टोटल रखा है। यहाँ पे टोटल इसका 150, इस सेकेंड वाले टोटल 80, थर्ड वाले टोटल 50 एंड फोर्थ वाले का 40। अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज पहले वाले का, पहले का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो सेकेंड वाला हम
डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का लिखेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में जाने वाले बच्चों का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बता दिया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किए थे सेम वही है, यहाँ पे देखिए 90 है, 90 एंड टोटल कितना है 150, 90 अपॉन 150 इंटू 100। अब क्या करना है, अब जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देते हैं और 10 का 90 में इंटू करते हैं, 900 आएगा, 900 को 15 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 60। सेम यहाँ पे भी हम 60 अपॉन 80, क्योंकि 60 है ऊपर हमारा साइंस का और टोटल कितना है 80 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 60 का 10 में इंटू कर देते हैं और 88 से डिवाइड कर देते हैं, 75 आ जाएगा, यह परसेंटेज है। इसी तरह हम क्या करें, थर्ड का भी निकालेंगे, 25 अपॉन 50 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल, ये 5 से इसको भी कैंसिल कर देंगे, कितना 2 इंटू 25, इट विल बी 50। और इस तरह लास्ट में फोर्थ जो स्कूल है उसका निकालेंगे, 16 अपॉन 40 इंटू 100, इसका कितना आ जाएगा 40%। अब ये तो साइंस स्ट्रीम की बात हुई, अब कॉमर्स का निकालना है तो सेम क्या करते हैं हम, 100 में से, क्योंकि टोटल 100% होता है, 60% अगर बच्चे क्या है साइंस ले रहे हैं तो बचे हुए कितने रहेंगे कॉमर्स के, कितने हो जाएंगे 100 में से 60 माइनस कर देंगे 40 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 100 में से 75 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हमारा परसेंटेज किसका है, साइंस स्ट्रीम का, और यह परसेंटेज किसका है, कॉमर्स स्ट्रीम का। चलिए अब इसको हम आपको परसेंटेज बार बना के दिखाते हैं ग्राफ बुक में। यहाँ पे देखिए हमने पहले दो एक्सिस ड्रॉ करना है, पहले फर्स्ट है जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकली है वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई और यह वाई डैश। अब हमें यहाँ पे क्या है, स्कूल्स लेने हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक सेंटीमीटर गैप पे हमने फर्स्ट स्कूल सेकंड स्कूल थर्ड स्कूल फोर्थ स्कूल ले लिया है, और यहाँ पे हमें देखिए जो टोटल 100% होता है तो हमें 10 टू 100 यहाँ ड्रॉ कर देना है, 10 और वो भी एक एक सेंटीमीटर हमने कितना कितना लिया है 10 लिया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, क्योंकि टोटल 100% ही होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़ है, स्कूल है और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का परसेंटेज है कि इन्होंने साइंस लिया है, किसने कॉमर्स लेने वाले हैं, कितने हैं साइंस देने वाले हैं। तो फर्स्ट स्कूल में हमने देखा था यहाँ पे हमने टेबल में कि हमारा जो साइंस का था कितना था 60%, तो यहाँ पे देखिए हमने 16 को साइडेड किया है, मतलब ये जो साइडेड वाला है हमारा क्या है साइंस वाले हैं, तो ये 60 है और जो रिमेनिंग कितना था 40 हुआ कॉमर्स का था। नेक्स्ट वाले सेकेंड स्कूल में देखे थे तो वहाँ पे हमने टेबल में ड्रॉ किया था, वहाँ पे 75 किसके थे साइंस के थे और 25 रिमेनिंग कितने थे कॉमर्स के, तो ये 75 को हमने साइडेड कर दिया। थर्ड स्कूल में हमने देखा था 50% कॉमर्स के थे 50% साइंस के लिए थे, तो 50% को हमने यहाँ पे साइडेड किया है, साइंस हो गया और जो रिमेनिंग हुआ कॉमर्स हो गया है। और नेक्स्ट लास्ट वाले में हमारा टोटल 40% साइंस के लिए थे और 60% कॉमर्स के लिए, तो ये जो साइडेड किया है ये हमारा क्या है साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और जो ऊपर है जो कॉमर्स लेने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बना दिया है, यहाँ पे साइंस है, साइंस को हम क्या करना है यहाँ पे साइडेड है हमारा, और जो अनसाइडेड है वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमर्स हो गया। स्केल यहाँ लिखना जरूरी है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट, मतलब कि एक एक सेंटीमीटर हमने कितना लिया है 10% स्टूडेंट लिया है, इस तरह हमने इसको बना दिया। आप इसको अपने बार डायग्राम इसको ग्राफ बुक पे अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 11.3 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।